दरअसल में ये चार होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो खलक की आवाज़ आती रहती है कि इसमें गहलोत साहब है, उदयपुर गहलोत साहब हैं, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। और आपको पता है फेयर माउंट में काफ़ी दिनों तक एम्बुलेंस रुके थे जब सरकार पे संकट आया था, और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहाँ भी एम्बुलेंस रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं, और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रैफल में रुकते हैं। रैफल। तो मैं सबसे पहले रैफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रैफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है, और ये उदय सागर झील में है। थोड़ा देखो, मैं समय ज़्यादा लूँगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया है। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रैफल बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर की। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2018 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टर भूमि में से 2 हेक्टर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टर, इसी 2 हेक्टर भूमि को कृषि से होटल, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया, और इस शर्त के साथ ही कि 6 हेक्टर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम ली जाएगी। होटल व्यवसाय द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को